प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम बीएड सेकंड ईयर का सामान्य पेपर अधिगम हेतु आकलन के अंतर्गत इकाई फर्स्ट जो हमारे है इकाई के आकलन की अवधारणा की सामान्य व्याख्या के अंतर्गत हम जो पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर हमने पढ़ चुका है अधिगम के लिए अधिगम का अधिगम के अन्य अधिगम का अधिगम के लिए अधिगम के रूप में इसके बारे में पढ़ा। उसी के अंदर हम पढ़ रहे थे ग्रेडिंग सिस्टम, श्रेणीकरण क्या था। श्रेणीकरण एक ऐसा क्रम है जिसके अंतर्गत एक अंक दिया था, ग्रेड दिया है, अंकों के आधार पद देना, श्रेणी कंटिन्यू क्रम के आधार पर। फिर हमने श्रेणी पढ़ा था, पढ़ा कि ग्रेड क्या होता है। फिर हमने पढ़े कल ग्रेड के कार्य पे। तो ग्रेड का ये होता है कि एक अध्यापक द्वारा पढ़े गए विद्यार्थी को अपने शिक्षण कार्य के आधार पर जो परीक्षण में जो प्राप्तांक होते हैं उसके आधार पर अंकों को शो न करके उसको ग्रेड शो करते हैं। कितने से कितने के बीच में जो अंक आते हैं उसको ग्रेड दिया जाता है कि कौन से नंबर का ग्रेड होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि इसमें विद्यार्थी ग्रेड कार्य रहता है कि विद्यार्थी स्वयं के आधार पर शिक्षण कार्य के अंतर्गत कितना शिक्षण प्राप्त किया है, किस हद तक किया है, उसका स्वयं का जो आकलन होता है वो स्वयं करता है। तो कहने का मतलब है कि अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए शिक्षण कार्य के अंतर्गत विद्यार्थी अपने समस्त गतिविधियों के साथ में स्वयं का मूल्यांकन आकलन सतत व्यापक जो भी करता है वो अपने शिक्षण में करता है अनुदेशन क्रिया के द्वारा, अनुदेशन उपलब्धि के आधार पर कि मैंने इस शिक्षण कार्य को कहां तक मैंने प्राप्त किया, उस समय जो भी क्रिया होती है वो उसके द्वारा होती है। तो हम पढ़ेंगे आज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय विद्यालयों में ग्रेडिंग प्रणाली। भारतीय विद्यालयों में ग्रेडिंग प्रणाली, और ग्रेडिंग क्या होता है इसके बारे में समझेंगे कि भारतीय विद्यालय के अंदर आज हम देखिए भारत में जितने भी विद्यालय हैं वहां पर आज ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई जाती है। तो उसमें क्या होता है कि इसमें यह बताएंगे कि वहां ऐसे अंकों में फेर बदल ना हो, अंक किसी के 50.52 है, 50.50 है, तो पॉइंट की जो संख्या आती है उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। कॉम्पिटिशन फैक्टर बच्चों में क्या होता है, एक इतना एक्सपीरियंस हो गया है किसी के प्रति कि मैं इससे आगे बढ़ना चाहूँ या मैं इससे आगे बढ़ना चाहूँ। तो ऐसी क्रिया जो होती है वो एक विद्यार्थी के अंदर सकारात्मक सोच भी आती है जिसमें सबसे अधिक नंबर है उसके अंदर, और जिसकी नंबर कम आया उसके अंदर कोशिश होती है नकारात्मक सोच का विकास होता है कि मेरे अपने नंबर कम क्यों आए, तो वो अपने आप में तनाव में लाता है कि मैंने इतनी अच्छी पढ़ाई की, इतनी अच्छी मेहनत की, लगन से की, तो मेरे नंबर इतना कम आए तो आएगा, इतना ग्रेड कौन सा, मतलब नंबर कम क्यों आए। तो हम पढ़ते हैं तो भारतीय विद्यालय में विद्यार्थी की प्रकृति का मापन सामान्यतः प्रतिशत में किया जाता है। देखो लिखा है कि भारतीय विद्यालय में किया जाता है। तो कहना मतलब है कि भारतीय विद्यालय में विद्यार्थियों की प्रगति का मापन, क्या मापन, उसके मापन सामान्य प्रतिशत में किया जाता है। इसमें जाता है प्रतिशत में कहता है कि भारतीय विद्यालय में विद्यार्थियों की प्रगति का जो मापन होता है, प्रगति का जो मापन है वो सामने से पता है प्रतिशत में किया जाता है। ग्रेड प्रणाली प्राथमिक कक्षाओं में और केवल कुछ विषयों तक सीमित थी। ग्रेड प्रणाली है कि ग्रेड प्रणाली
प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय विद्यालय कक्षाओं में प्राथमिक गृह प्रणाली प्राथमिक विद्यालय की कक्षाओं में और कुछ और कुछ विषयों तक सीमित है। मतलब एक ग्रेड प्रणाली प्राथमिक विद्यालय एक कक्षाओं में और कुछ विषयों तक, मतलब हमारी ग्रेड प्रणाली है वो सिर्फ प्राथमिक कक्षाओं में। मतलब आज भी हम देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं कि विद्यालयों में, भारतीय विद्यालय में विद्यार्थी का प्रगति का जब मापन होता है वो सिर्फ प्रतिशत में किया जा रहा था। ग्रेड प्रणाली प्राथमिक कक्षाओं और कुछ विषयों तक सीमित थी। आज अगर देखा जाए वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो उच्च कक्षाओं में वरीयता क्रम निर्धारित क्रम में करने के लिए 10 के बाद 2 तक सीमित किया जाता है। मतलब आज जो कक्षा है, आज हम पढ़ रहे हैं तो वो पॉइंटर के बाद जो प्रतिशत आता है वो 10 के बाद 2 तक प्रतिशत दिया जाता था। कि आज जो हम पढ़ते हैं कि 2 के बाद किसी
यदि 12% अंक आए हैं, कितना आए? 12% अंक आए हैं और अन्य के 12.50% हैं तो इस पर 10.50% के 1000 विद्यार्थियों में 1000 विद्यार्थियों में अंतर या विद्यार्थियों के होने की विद्यार्थियों के होने पर उनमें प्रतिद्वंद्विता आने लगती है। प्रतिद्वंदता है जिसके कारण कुछ विद्यार्थी अपने आप को तनाव की प्रक्रिया में देखते हैं। तो किसी बोला तो कि किसी विद्यार्थी के यदि किसी विषय के अंदर 12% आए और अन्य विद्यार्थी के 12.50% आए तो इस पर 0.50 के 1000 विद्यार्थियों के होने पर प्रतिद्वंदता बने रहती है। मतलब जैसे विद्यार्थियों में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कुछ प्रक्रिया को देखते हैं क्योंकि इसमें इस 50.50 का कितना महत्व इस अंतर के द्वारा बहुत से ऐसे विद्यार्थी है जिसके अंतर्गत प्रतिशत के अंदर घट गया है। तो हम आगे बढ़े देखते हैं थोड़ा आज वर्तमान समय में देखते हैं सीबीएसई बोर्ड नाम सुना होगा आपने, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। भारत में केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड परीक्षाओं ने 2010 और 11 से 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं में कई सुधार किए। सीबीएसई बोर्ड की कक्षाओं में 9वीं से 10वीं में एक नवीन ग्रेड प्रणाली को अपनाया गया। इसमें कक्षा 9वीं कब से 2010 से लेकर 11 के बीच में परीक्षाओं में इस प्रकार पैटर्न चेंज किया जिसमें कक्षा 9वीं और 10वीं के अंतर्गत हमें ग्रेड प्रणाली को अपनाना चाहिए। जो भारत में विद्यालय शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन की स्थिति को देखी गई और इस ग्रेड की नई प्रणाली जो अपनाई गई इसमें किस प्रकार की ग्रेड है, मतलब ग्रेड का नहीं होता है कि नई ग्रेड प्रणाली में कोई फेल नहीं होगा। तो परीक्षाओं में फेल या पास करने की पुरानी व्यवस्था में एक तरह अब इस सीबीएसई ने प्रस्तावित ग्रेड प्रणाली में या प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को कम से कम पांच विषयों के अंतर्गत 33% अंक प्राप्त करना होगा। कितने? 33%। 100 में से 33% आना चाहिए। 100 में से जो भी विद्यार्थी 33 अंक लाने पर विद्यार्थी को पास कर दिया जाता है। ये सीबीएसई का नया पैटर्न था, इसे बोलते हैं ग्रेड पैटर्न। तो हमारे 5 अंक होते हैं, कितना अंक होता है? 5 अंक। तो 5 अंक जो होते हैं उनमें जो अंक संदर्भ मतलब 5 विषयों में 33% अंक लाने होते हैं। मतलब बताएंगे
ग्रेड प्रणाली को बदलें। पांच विषयों में कितने C3 दिया जाता है, पर लास्ट में 32 से कम अंक
बत्तीस से कम कम डालने वाले और इस प्रकरण को आपको हमें समझना चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।